अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 110 न्यूज। आज की ताजा तरीन हेडलाइन। लॉकडाउन अगले दो हफ्ते तक बरकरार रहेगा। वजीर आजम ने तामीराती इंडस्ट्री आज से खोलने का ऐलान कर दिया। क्या फैसले सूबों के साथ इत्तफाक राय से हुए? 18वीं तरमीम के बाद सूबे फैसला करने पर आज़ाद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना पाकिस्तान में अंदाजों से कम फैला। अमवात भी अंदाजों से 50% कम हुई, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। दौलत की स्मगलिंग ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके ऑर्डिनेंस कल लाने का ऐलान कर दिया। घर बैठकर मरने से बेहतर गिरफ्तार होकर मर जाएं। सिंध ताजर इत्तेहाद ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। जोर जबरदस्ती की तो अहले खाना के साथ वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। कारोबार जब खुलेंगे तो मुलाजमीन की तनख्वाहें भी तब दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और इनकी फैमिली का कोरोना टेस्ट मनफी निकला। चीफ जस्टिस के चैम्बर के एहलकार का टेस्ट मस्बत आने पर जजेस और अमले के टेस्ट किए गए। ये थी आज की खबरें।